कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रेस? ये श्याम बाबा की। लड्डू गोपाल राधा रानी जी, श्याम जी महाराज आराम कर रहे हैं। हमारे श्याम बाबा का जन्मदिन है। विष्णु भगवान नींद में से उठते हैं ना, इसीलिए हम ये बनाते हैं। खाली हाथ कभी दिया नहीं रखना चाहिए। अब देव उठाएंगे। चारवी की गुल्लक टूट गई, कई परसों खुले मिल जाते, सारे लेके चले जाते हैं। श्याम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? जय श्री श्याम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 9, चारवी स्कूल जा चुकी है। आज उसका बिल्कुल मन नहीं था, शायद लेट सोई थी। मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता बाकी शायद वो लेट सोई थी तो आज मन नहीं था। कह रही थी मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करा दो। मैंने कहा बेटा आज और कल जाना है बस आपको, फिर 2 डेज़ की छुट्टी है तो चले जाओ। बड़ी मुश्किल से गई है, ये तो नहीं जा रही थी, बिल्कुल मना कर रही थी मुझे नहीं जाना। बाकी बस बाकी घर के सब सो रहे हैं डेली की तरह। मम्मी भी कहती रात भर मैं नहीं सोई, घर में कोई चूहा, वो मोटा सा कोई चूहा आया बताया, तो कह रही वो सोने नहीं दे रहा था, इधर कुछ छेड़ रहा था सामान, उधर कुछ सामान छेड़ रहा था, तो इसलिए हम लोग सो नहीं पाए। तो काजल और मम्मी दोनों सो रहे हैं और हस्बैंड जी, तो उनका तो रात को ही काम है तो वो तो सुबह सोते ही है। ये डेली का काम है यार, ये कड़ी पत्ता है ना, इसमें इतने पत्ते झड़ते हैं ना, इसका डेली का काम है। मैं नहीं तो मम्मी साफ़ करती हैं। ये देखिए इतना, मतलब पौधे रख तो लो पर इनकी वजह से गंदगी इतनी हो जाती है ना, डेली साफ़ करना पड़ता है हमें छत। ये देखिए आज न्यू रोज़, आपको पता है मैं जहाँ इतनी दूर खड़ी ना व्लॉगिंग कर रही हूँ इसकी खुशबू वहाँ तक आ रही है। मम्मी ने उझाड़ दिया है हमारा बगीचा काट पीट के, क्योंकि कहती बहुत पुराने हो गए तो उनको काटेंगे छाटेंगे ना तो तब ये सारे परफेक्ट होंगे। बाकी देखिए अब हम मैं इसको बस साफ़ सफाई में लगूँगी। श्याम जी महाराज का बर्थडे है तो पूजा तकरीबन के सारे ही कपड़े ये अपने हाथ से सिलती हूँ, ऊन के हों चाहे कपड़े के हों, और सारे अपने खुद से बनाती है, क्योंकि बाहर तो ड्रेस हल्की हल्की आती है और महंगी बहुत आती हैं, और अपने हाथ से बनाने में सुकून सा मिलता है भाई। देखो ये तो इनकी पगड़ी है, ये पगड़ी रखी है, देखो पगड़ी, ये देखो पगड़ी है। इसे आप बेल्टूट लगा रखा है, इसे आप जितना मतलब जैसे आप चाहे बाबा के उस पर आराम से सेट हो जाएगी, मतलब ढीली टाइट लूज टाइट है जैसी आपको करनी है आप इसे आराम से कर सकते हैं। बस अब मैं इसे कर रही हूँ। भगवान ये लड़की जो बहुत ज्यादा बोल रही है, उसे पता है कि मैं वीडियो बना रही ना इसलिए चिल्ला रही है ये। रुक जा मैं आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, रुक जा। कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रेस? ये देखिए ये श्याम बाबा की पोशाक मैंने तैयार कर दी है, और ये देखिए उनका पटका ठीक है। ये सारा सामान मेरे को पसंद आता है, मैं ला के रखती हूँ, ये सारी लेसेस वगैरह थी, और हर त्योहार पे नई ही बनाती है, और इतनी सारी रखी हुई है हमारे पास। इस तरीके की पगड़ी मैंने पहली बार बनाई है। मैं चलो क्या इस तरीके सही रहती है, अपना लूज टाइट जैसा आपको करना आप इसे कर सकते हो आराम, अपना घर में ही तैयार कर रहे हमारे श्याम महाराज जी। हो रहे सो रहे हैं उनके लिए तो सोने का टाइम हो गया, 11:30 हो रहे हैं, वो तो सो रहे हैं। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी जी ये सो रहे हैं, ये हमारे श्याम जी महाराज आराम कर रहे हैं, ये बैठे हमारे श्याम जी, सबको उन्हें कपड़े पहना दिए क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। ये रहे और उनके भी और कपड़े के हाथ से अपने आप ही बनाती है सारे। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और अब तक लगी हुई है देखो, क्योंकि सुबह बर्थडे है तो नहा के अपना नए कपड़े पहनेंगे। मिठाई वगैरह हम ले आए हैं, हम केक तो काटते नहीं हैं क्योंकि श्याम जी महाराज का तो मीठे से पेड़े हैं, लड्डू हैं और खीर तो कल बनेगी नहीं, एकादशी है, पूरी हलवा जो भी मतलब घर में बनाएंगे घर का ही, हम बाहर का केक वगैरह नहीं काटते हैं। ये देखिए फाइनल लुक बाबा का, बाकी अब कल दिखाएंगे जब बाबा पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे। जो तैयार करके बिठाते हैं बस प्यार से निहारते रह जाते हैं हम तो, इतने सुंदर लगे हैं ऐसे है, जैसे बाबा की छवि में वहाँ आँखों में चमक है ना ऐसी इनमें लगती है, यहाँ भी जैसे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। भाई आज भी हमारे श्याम बाबा का जन्मदिन है, बाबा को बहुत ढेर सारी बधाई। देखिए आज हमने बाबा का श्रृंगार किया है,
आज बाबा नई ड्रेस पहन के बैठे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। हमारे राधा रानी, लड्डू गोपाल, बजमली बाबा, श्याम जी सब तैयार हो चुके हैं, सब कुछ स्नान वगैरह करके सब तैयार होके बैठे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हमारे श्याम जी भी तैयार हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई हो पापा को आज के दर्शन। कैसे लगे हमारे बाबा अब बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। गाइस वापस आ चुकी हूँ मैं, जोत लगा के मैं तुरंत पूजा करके ना लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं चली गई थी अपने क्लास में, योगा क्लास में, तो वहाँ से अब आई हूँ आके चेंज करके। अब मेरा हो रहा है टाइम बेटी को लाने का, चारवी को स्कूल लेने जा रही हूँ। जब तक आगे कंटिन्यू मम्मी करेंगी, मम्मी से मिली है, ये सो के उठ चुकी है, आजकल ये लेट उठ रही है। आजकल दो दिन हो गए। हाँ कल इनको चूहे नहीं सोने दिया, तो परेशान थी, कल चूहा आ गया था बहुत मोटा सा, तो उसने सोने नहीं दिया, मैं परेशान हो गई, लाइट जला के सोना पड़ा। हाँ और इन लोगों को आदत है लाइट में अंधेरे में सोने की, यार मुझे आदत है लाइट में सोने की, क्योंकि जब शादी करके आई थी तो मुझे मतलब उससे पहले अंधेरे में ही सोती थी, पर पति देव वो दिन भर लाइट में रहते, काम करके वह सो जाते, उन्हें आदत है ना लाइट में सोने की, क्योंकि वो काम बंद कर रात भर जगते हैं, रात भर जगते हैं, तो मतलब काम में लेट हो गए तो पड़े हैं, तो पड़े पड़े सो गए, तो आदत पड़ गई लाइट में ही सोने की। चलता टीवी, और चलता टीवी होना चाहिए, तो फिर भाई कब तक एडजस्ट करती, आदत एक दिन अजीब लगा, दो दिन लगा, तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद फिर आदत पड़ चुकी, तो मैं भी लाइट में सो जाती, तो मुझे अब चाहे तुम मेरे सर पे कुछ भी बजाओ तो मैं सो जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ चार्जी को लेने, क्योंकि मैं हो रही हूँ बहुत ज्यादा लेट। क्या बना रहे हैं बाबू? भगवान जी विष्णु भगवान नींद में से उठते है ना, तो इसीलिए हम ये बनाते हैं। विष्णु भगवान है, ये हमारे भगवान जी है। भगवान जी हाँ, आपको इसलिए बता रही हूँ ना, आपको भी पता होना चाहिए ना। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को बस मोबाइल 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 और कुछ आता नहीं है, तो बच्चों को पता होना चाहिए ना कि हमारे भगवान कौन से हैं, क्या हो किस दिन क्या होता है, इसलिए वो सब पता होना चाहिए। यस आपको कैसे लगी? सीधा सिंपल जैसा आता वैसा बना दिया, बताना और कमेंट करना, लाइक शेयर करना और बताना भाई कैसी बनी है। ये है खीर, ये है बतासे, ये है रुई, ननू पर्स लेकर आई बेटा, और इसमें दक्षिणा भी रखूंगी, और हमारे ले आओ पहले पर्स लेकर, हमारे में क्या अब ये दिया जलेगा रात को, अब ढक के रख देंगे इसको, और शाम को रात को उठाएंगे ना, पूरा दिन रखा रहेगा और रात को उठाएंगे, तो जैसे देव उठाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे उठाती है, हाँ? और उसके बाद उसको ढक्के रख देते हैं, परात से रख दो, थाली से रख दो, किसी से भी रख दो, और बाद में पूजा पाठ करके ये सामान या तो किसी को गरीब को दे दो या कन्या को दे दो, दक्षिणा समेत, दक्षिणा अपनी इच्छा कितने भी रख दो। अभी इस पे प्लेट रख दूंगी मैं, और इस पे साथिया निकाल दूंगी। तो क्या बना रहे साथिया? स्वास्तिक, पोती को भी पता है भाई, क्योंकि हम इसे समझाते रहते हैं, और ये सब आता है इसको, इसको सब आता है, हनुमान चालीसा वगैरह कर लेती है। ये लो, अभी देव हमारे सो रहे हैं, जब देव उठेंगे, अब शाम को देव उठेंगे, हाँ फिर हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। क्या बना रही है आपकी मम्मा? मम्मा रेसिपी चेंज हो गई है और ये बथुए और मूली के जगह अब आ गए हम भंडारे की सब्जी, इधर हलवा बन रहा है, इधर हलवा बन रहा है, पूड़ी के लिए आटा लग चुका है, देखिए इसमें आटा लग चुका है पूरी के लिए, मम्मी आटा लगा चुकी है, बस अब हलवा बन रहा है और सब्जी बन चुकी है। चलो हम चलते हैं दादी के पास। हमारा चौक पुर गया, गेरू होता ना, गेरू से हम चौक पुर लेते हैं, ये हमारा चौक पुर गया। चाहो तो आप कच्ची जो पीली मिट्टी होती है पीली मिट्टी से भी कर सकते हैं। अब इस चौक पे ये हम स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक हमेशा बिना काटे ही बनाना चाहिए। अब हमको आसन देंगे, कोई भी दिया हो या कुछ भी, कभी भी दिया रखते हो तो खाली हाथ कभी दिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे या तो चावल के दाने रखो, तिल के दाने रखो, गेहूं के दाने रखो, उनको आसन देना होता है। तो ये हमने दे दिया आसन तिल का, क्योंकि आज एकादशी है हम रख नहीं सकते हैं, ये तिल का आसन रख दिया। अब यहाँ पर हमारे विष्णु जी की चौकी लगेगी, ठीक है, तुलसी माता का लहंगा बना दिया।
हमारे पास गणेश जी की मूर्ति तो है नहीं, तो सुपारी का गणेश जी का रूप दिया जाता है, सुपारी का। ये हमारे गणेश जी हो गए, ठीक है। अब इनकी स्थापना हो गई है, अब हमें कलश की स्थापना करनी पड़ेगी। भैया चीनू रुको भैया रुको रुको। हमने अपनी बिटिया उठाई है, ये सो रही थी, अब देव उठाएंगे, अब देव उठाएंगे। मेरी गुड़िया के बिना तो भाई हमारा कुछ भी काम नहीं होता है, है ना। चलो जाओ आप गाएंगे। देव जी उठो उठो, देव जागो, देव उड़िया चटकाओ, देव सिंगाड़े का भोग लगाओ, चलो तालियां बजाओ, भोग लगाओ, देव क्लैपिंग करो, भोग लगाओ, बोलो उठो देव जागो देव। देव जी सो जाते हैं साढ़ में और कत्तक में उठते हैं, इसलिए आज के दिन भगवान को जगाते हैं। देखो गाइस, चारवी की गुल्लक टूट गई, परेशान होगी बेचारी अपने वो पूजा के। अब देखो न्यू लेके आई, छोटी सी मिली है न्यू, पैसे मिले थे देव में, देव के उठाने के पैसे मिले थे, वो डालने लगे हाथ से छूट गई। पहले इसको भर लो, फिर जब ये भर जाएगी दादी इससे भी बड़ी जाएगी। हमने आपके पैसे भी गिन लिए, पूछो मम्मा से कितने हैं। पता है चारवी ने पता है जितने पर्स खुले मिल जाते सारे लेकर चली जाती है। और इसने पता है, और ये अपने कंजक के जोड़ रखे हैं जो हम पूजा पाठ में लेते हैं, इसके पास हो गए ये सारे मिला के 420 या 430 रूपए। गुल्लक लेने गए तो बोली छोटी तो चाहिए नहीं मेरे को, उतनी बड़ी चाहिए, ये अभी छोटी मिल जाएगी, डालो बड़ी मुश्किल से बहका दिलाएगी, आप ले ले छोटी में बड़ी दिला दूंगी, तब जाके लेकर आइए। एकांत कर रहे हैं ये देखो भाई, आप क्या कर रहे हो, पीछे गिर जाओगे, आगे हो पीछे गिर जाओगे, अरे नहीं डर लगा साइड में चले जाओ ना, गिर जाओगे पीछे लुढ़क के। हाँ काम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं, ये देखो वो मम्मा के पास रहते ना अपनी, आप थोड़ी देर फिर नहीं बेटा, वो अपनी आपका अपनी मम्मा से कोई दूर ले जाकर रोगे ना तो फिर पप्पी भी तो रोएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी बस अब शुरुआत है, सपोर्ट करते रहिएगा, जो गलती हो तो बताते रहिएगा, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको अब मिलेंगे अब कल की नई वीडियो में सुबह, अब हम चलते हैं आराम करने क्योंकि आज बहुत थक चुके हैं, सुबह से उठे हैं जब से लगे हुए हैं काम में, क्योंकि आज तीन काम थे, तुलसी विवाह, श्याम बाबा का जन्मदिन और देव उठने की एकादशी, तो इस चक्कर में ना पूरे दिन बिजी रहे हम लोग, खाना भी हमने 4 बजे खाया है, तो बस आज थक गए हैं। अब थोड़ी देर में बस लड्डू गोपाल और राधा जी को सुलाना है, उन्हें सुला दूँ क्योंकि 10:30 हो रहे हैं रात के, लेट हो गई हूँ आज, बस उनको सुला दूँ जाके आराम कर ले वो, बस अब हम भी चेंज वेंज करके अब आराम करेंगे। सो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई व्लॉगिंग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम।